किसानों सीधी अदायगी दे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वड्डा बयान, ठेके से जमीन लैके खेती करने वाले किसानों भी सीधी अदायगी का मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा MSP से बेची फसल की अदायगी सीधा किसानों के खातों के जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र सरकार के इस कदम के नाल छोटे ते सीमांत किसानों को फायदा मिलने का किया दावा। सीधी अदायगी मसले के किसान आगू गुरनाम सिंह चढ़ूनी का वड्डा बयान, कहा केंद्र ने किसानों को कर्जा वसूली के लिए कढ़िया नवा राह। किसान आगू गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा सीधी अदायगी चो बैंक किसानों के खाते चो कट लेगा कर्जे के पैसे। किसान आगू गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा पूरे देश के किसानों से पएगी सीधी अदायगी की मार, सीधी अदायगी के नाम से सरकार किसानों से थोपना चाहती है अपनी मंशा। किसानों को सीधी अदायगी लेनी है या नहीं इस मिलनी चाहिए छोट। चढ़ूनी ने सबूत वजो एक किसान को किया पेश, गन्ने की अदायगी जो बैंक ने किसान के लोन की कट्टी किश्त। खेती कानूनों खिलाफ विसाखी मौके तलवंडी साहब किसान कॉन्फ्रेंस, BKU ग्राहकों वालों भारी इकट्ठ करने का दावा, बिना प्रशासन की मंजूरी तो की जा रही है कॉन्फ्रेंस। करोना का डर विखा के किसानों की आवाज दबाने की जा रही है कोशिश, कॉन्फ्रेंस वाली थां ते वड्डी गिणती च पुलिस की गई तैनात। संयुक्त किसान मोर्चे के लीगल पैनल वालों कल होगी अहम मीटिंग, लीगल पैनल के कन्वीनर प्रेम सिंह पंगू ने दी जानकारी। बलबीर सिंह राजेवाल के बयान संबंधी स्थिति की जाएगी स्पष्ट, प्रेम सिंह पंगू ने कहा दिल्ली कमेटी के सहयोग का हमेशा किया है धन्यवाद। दिल्ली दी सरहदां ते किसान मना रहे हैं विसाखी ते खालसा साजना दिवस, संयुक्त किसान मोर्चे के सदे ते किसान वख-वख मोर्चियां ते मना रहे हैं विसाखी। जलियांवाला बाग के खूनी साके के शहीदों भी किसानों वालों किया जा रहा है याद, कल 14 अप्रैल को किसान मनाएंगे बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की जयंती। बाबा साहब की जयंती मुल्क भर च किसान मनाएंगे संविधान बचाओ ते किसान बहुजन एकता दिवस वजो, करीब 4.5 महीनों तो खेती कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर से डटे हुए ने किसान। हुशियारपुर की दाना मंडी च कणक की खरीद शुरू करवाने लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू और सुंदर श्याम अरोड़ा। अनाज मंडी कणक की खरीद शुरू करवाने लिए पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों, किसानों ने किए सवाल, कहा सरकार वालों किए पुख्ता प्रबंधों के दावे कदों जमीन पर होंगे लागू। विसाखी से खालसा साजना दिवस मौके वड्डी गिनती गुरुद्वार च नतमस्तक हो रही है संगत। पाकिस्तान विसाखी मना गए सिख श्रद्धालुओं का जत्था पंजा साहब के लिए नहीं हो सकया रवाना, गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर च रुकन के लिए मजबूर होया जत्था। सोमवार देर रात वाघा तो जत्थे सख्त सुरक्षा हेठ लिया गया, गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर मौलवी सैयद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी में लैके पाकिस्तान च बने हुए हैं हालात तनावपूर्ण। विसाखी मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कौम के नाम दिता संदेश, कहा दरपेश मुश्किलों से सिख कौम एकजुट होने की लोड़। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा सिख कौम आर्थिक और धार्मिक पक्षों मजबूत होने की जरूरत, अपनी होंद को बचाने के लिए किसान कर रहे हैं संघर्ष। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा सरकारों वालों सानू आर्थिक तौर पर कमजोर करने की हो रही है कोशिश, केंद्र आवाम की थां कुछ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने लगी है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख कौम को खालसा साजना दिवस और विसाखी की दी बधाई। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल के बयान का किया जोरदार विरोध, कहा जेल च बंद दौरान राजेवाल ने नहीं ली साड़ी कोई सार। नौजवान मुताबक दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा के यतना सदका हो रहा है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड दौरान दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे च
ਹੋਈ ਮੌਤ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟਨਾ कैनेडा के शहर ब्रैम्पटन च सड़क हादसे दौरान पंजाबी नौजवान की मौत तरन तारण जिले के शहर पट्टी का रहने वाला सी मृतक नौजवान गुरलाल सिंह वजों मृतक की हुई पछाण स्थानक पुलिस मुताबक अस्पताल इलाज के लिए लिजाया गया सी गुरलाल सिंह पर उसने तोड़िया दम मृतक के पिता ने दसिया गुरलाल तीन साल पहले ही गया कैनेडा ट्रक ड्राइवरी का करता सी काम तरन तारण च दिन दहाड़े मोटरसाइकिल की डिक्की चो 5,26,000 के नाल भरिया बैग लैके मुलजम होए फरार लुट का शिकार होए व्यक्ति मुताबक पिछे आ रहा पछाते लोगों वालों वारदात में दिता गया अंजाम मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार से मुलजम की भाल की शुरू अमृतसर पुलिस का नवा कारा तीन नाबालिगों ने किया कार चोरी का परचा तिने बच्चों की उम्र 9 साल 12 साल और 14 साल दसी जा रही है मापिया ने पुलिस तो इंसाफ की चुकी मांग निजी स्कूलों की मनमर्जी के खिलाफ मापिया की एसोसीएशन की अगुवाई लुधियाना पुलिस के प्रशासन के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धन धन श्री गुरु अमरदास जी के पावन गुरगद्दी दिवस दिया देश विदेश वसदिया संगतों को दी बधाई